नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं चने तारवा। साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक और पीवत्स कर देने वाली घटना सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में किस प्रकार से मात्र 250 रुपए को लेकर टीचर द्वारा छात्र की इतनी पिटाई की जाती है कि छात्र की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जिससे इंसानियत तार तार हो जाए। जी हाँ साथियों, ये मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का है और घटना करीब 16 अगस्त की बताई जा रही है। किस प्रकार से एक अपने दोस्त के साथ घूमने गई लड़की को कुछ दरिंदों ने निर्वस्त करके पीटा, उसका वीडियो वायरल किया। आप देख सकते हैं ये तस्वीर धुंधली है, हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर, महिलाओं के अंदर, बेटियों के अंदर कितना डर और भय का माहौल है। आज लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस प्रकार से दलित छात्र को ये पानी के नाम पर पीटा जाता है और कांग्रेस शांत रहती है, लेकिन इसमें नया मोड़ ये आया है। आज की जो खबर है श्रावस्ती में एक बच्चे को टीचर ने पीटा है और जिसके कारण उस बच्चे की जान चली गई है। देश भर में बीजेपी और बीजेपी शासित विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? ऐसी खबर जब सामने आती है तो सत्ता की झूठ के पुलिंदों को तोड़कर रख देती है। हालांकि इस केस में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन छठवां आरोपी अब भी फरार है। आपका इन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों पर और पार्टियों के वादों पर क्या सुझाव है? आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।